हेलो हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम स्कार पबजी वाइटी, वेलकम टू द स्ट्रीम एमरॉन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम फ्यूरियस, वेलकम टू द स्ट्रीम आर्यन ओपी, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। जल्दी स्टार्ट कर देना। हाँ, 9:10 तक स्टार्ट, 9:05 पे था टाइम। वो क्रॉनरीफ है, उसने रूम बनाया तो वो स्टार्ट करेगा। ब्रोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम, मैं भी आऊँ। ये मेरा नहीं है ना, ये वो फिक्स स्लॉट है। 9:10 पे स्टार्ट होगा। मेरे को कौन वेलकम करेगा? तेरे मैसेज अब भेजा पूरे वेलकम टू द स्ट्रीम, आईडी पास दे दो। ये इसमें फिक्स लॉट है, मतलब वो पेड स्क्रिम से है। सेवन सिन का आएगा, नहीं दोस्त का है। भाई हो गया यार, प्लीज। नो, हाँ 9:10 हो गए ना, बस स्टार्ट होने वाला है वो। डीएसपी खेल रही क्या? नहीं, डीएसपी नहीं खेल रही। हमें भी वेलकम कर दो फिर। विजार्ड गेमिंग वेलकम टू दिस स्ट्रीम। स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया वैसे, बहुत बढ़िया भाई वैसे। WP चेक करा वो तो सेवन सिन का भी है, करता बाद में। हो गया भाई, करवा दो। एमरॉन भाई चालू कर दो। हो गया स्टार्ट। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks and play responsibly. OP. टीम थ्री में चारों हैं, क्रॉनरीव, एमरॉन, ओमन, गॉडफादर। टीम नाइस, मजा आएंगे। मैच का स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ ले लूँगा। ये तीन टीम कूद चुके हैं यहाँ पे, जीजी, गॉड और एक एपीजे और कातिल भी बंदे कूदे हैं, और ये एमरॉन भाई कूदे हैं अपने टांग बन की तरफ। ओके, लॉर्ड अंकिता खेला जा रहा है। बूट कैंप पे एक भी स्क्वाड नहीं आई है, सबसे ज़्यादा बंदे इस तरफ ही आए हैं, रुइंस की तरफ। रुइंस कैंप चल रही, पैराडाइज भी बंदा है। नाइस, एमरॉन पे बंदे हैं लेफ्ट की तरफ, क्रॉनरीफ, एमरॉन, गॉड की फाइट होने लग गई। गॉडल फादर ने नोक दिया हाइड्रा को। एक दूसरा बंदा भी आ गया, उसको भी, मतलब उसका भी गन नहीं है, उसको भी दो नोक दिए गॉडल ने उसने, गॉडफादर ने दोनों को फिनिश कर दिया है।
नाइस, स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए गॉड फादर एमरॉन की टीम से ही है। लॉर्ड अंकित तो भी शायद ऑफलाइन है। टीम थ्री टीम फोर देखते हैं। INS हम्बल स्कल और IMS की टीम आई है बूट कैंप के पास फाइनान की तरफ। टीम सेवन EXP टीम आई है कैंप चार्ली। इनके आपस आसपास तो अभी बंदे नहीं है, बंदे हैं अभी क्वेरी और केव की तरफ। ट्रॉन रीफ ने यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है एक को, नॉक फिनिश। गॉडफादर ने पूरे स्क्वाड मार दिया है। अभी टीम थ्री के हो गए पूरे चार किल, तीन किल गॉडफादर के और एक किल ट्रॉन रीफ का। स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए कातिल मोनू ने नॉक डाउन किया APJ अर्पित YT को। एक और NTX ने नॉक कराया KG YT ने नॉक कराया NTR गुलशन को। NTR गुलशन नॉक यहाँ पे तीन बंदे उनके मुंह पे, दो नॉक है और एक रिवाइव लगा रहा है लो एंड KG YT। यहाँ पे ओपी किंग उनके टीममेट आते हुए क्या बचा पाएंगे या फिर नॉक डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे उनकी टीम से बचे हैं तीन बंदे बचे हैं अभी, उनमें से एक नॉक डाउन है दो रिवाइव हो रहे हैं। लास्ट तक किंग ओपी किंग ओपी भी नॉक डाउन होते हुए लास्ट बचे हैं मिस्टर रावण जो कि शायद ऑफलाइन है। हाँ ऑफलाइन है। इनके लॉयंस के भी दो बंदे बाकी हैं, थ्री मैन खेल रहे थे पर अभी दो बंदे बाकी हैं लॉयन KG YT एंड लॉयन AJ। इनको शायद पता नहीं है कि इनका एक बंदा भी ऑफलाइन है। अबे फिनिक्स ने नोट डाउन कराया किलर वाला YT को। यहाँ पे क्रॉन रीफ नॉक डाउन है, क्रॉन रीफ पर रिवाइव दिया जाएगा एमरॉन भाई की तरफ से। आगे की तरफ उनके आगे की तरफ टीम 24 है। टीम डार्क नहीं, अलग अलग बंदे हैं, इनकी टीम का नाम नहीं पता मेरे को।
इनको यूँ एमरॉन करोनट्रिप इन सबको जोन में आके इनसे शायद फाइट लेनी पड़ेगी, ये लोग ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही हैं। यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं एकदम आमने सामने ही हैं, पर डार्क टीम को शायद पता नहीं है कि ये लोग यहाँ पे हैं। रॉक सरेन ने उनको देख लिया है, हार्दिक ने भी उनको देख लिया है। यहाँ पे नो हार्दिक ने मौली खींचते हुए उन पे एमरॉन पे कैमरॉन नॉक कर दिए जाएंगे यहाँ पे। हार्दिक प्रो की एचपी यहाँ पे डाउन हो चुकी है। क्रॉनरीव की भी एचपी डाउन है और बहुत सारे की भी एचपी डाउन है। यहाँ पे नेट कर दिया जाएगा रॉक सारे की तरफ से। यहाँ पे फिनिक्स नॉकडाउन हो चुके हैं ओमन की तरफ से। ओमन एमरॉन भी नॉकआउट हो चुके हैं डार्क केबीएच की तरफ से। ओमन नॉक फिनिश हो चुके हैं। क्रॉनरीव भी नॉकडाउन गई, अच्छी परफॉर्मेंस है टीम 24 की तरफ से। 4v4 बहुत अच्छा लिया इनने, एक नॉकडाउन पे 4 kills, नहीं एक भी नॉकडाउन, बढ़िया फाइट है। प्रिफिन वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल। मस्त, यहाँ पे टीम सेवन के आसपास है टीम एट, क्या लगता है इनकी फाइट होगी कि नहीं। टीम सेवन का एक ही बंदा है क्या, टीम सेवन का एक ही बंदा है, नहीं चार बंदे अलग अलग रखे हैं, शायद ये गलती कर रहे हैं उस तरफ जाके क्योंकि ब्रिज के उस तरफ ही पूरे चार बंदे बैठे हैं उनके, या फिर यहीं से नौकर दे देंगे। ओवले ठीक है ना, टर्नने वाले रेशो पे बनाए, हाँ ओवले ठीक नहीं है करने वाले रेशो का, अच्छा चेंज करते हैं फिर। ये बाय डिफॉल्ट ही इतना लगा है, एक्सपी अलोन नॉक फिनिश। पबजी किंग और वाइटीज तो भी तो वो पीछे की तरफ फॉल बैक कर दिया, उन लोगों ने कह दिया फाइट नहीं लेंगे। पर उन्हें एक्सपी का एक बंदा तो पूरा नॉक फिनिश डाल रखा है पहले से ही। अब इनके आगे है टीम 18 वाई एक्स वाई एम एस, नाइस कमेंट्री। यहाँ पे चार बंदे बैठे हैं ब्रिज पे ही, शायद इन नॉक फिनिश कर दिए जाएंगे या फिर बच जाएंगे पता नहीं। अब देखिए मल्टी को नॉक फिनिश कर दिया है 4 MS की तरफ से, पूरा नॉक फिनिश कर दिया गया है। वाइटी शोभित ओपी को भी नॉक कर दिया गया है यहाँ पे।
पूरे चार बंदे ब्रिज कैंप बढ़ा के बैठे। अच्छा थोड़ा माइक साउंड कम कर और गेम का ज़्यादा कर। अच्छा करता हूँ। सर माइक साउंड का अलग से नहीं आता शायद। माइक थोड़ा दूर कर। अब इनके से एक ही बंदा बाकी है, लॉर्ड रेबल, जो कि वो भी यहाँ पे नहीं है। ब्रिज के उस तरफ ही था, उसने नोपू को रिवाइव लगा दिया है। और सामने अभी चार बंदे हैं और उनका एक बंदा अभी भी नॉक पड़ा है। वाइटी शोभे टोपी, इन पर रश हो जा रहा है 4 MS की तरफ से। यहाँ पे ग्रेनेड खींचा जाएगा। मॉली आ गई है 4 MS लेजेंड और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। तेज बोल सही आवाज आएगी या माइक को बिल्कुल मुंह के पास रख। अच्छा इंटरनल ऑडियो कम कर देता हूँ फिर थोड़ा। आप सही आ रही है ना? यहाँ पे IMS टीम 4 के बैठे हैं ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे टीम 24 भी है। टीम 24 के बंदे को डैमेज दिया जाएगा टीम 4 के बंदे से। स्कल ब्लैक की तरफ से ब्रिज के उस पार है जो कंपाउंड पे। हम कैसा खेले अभी? ठीक है, थोड़ा इंटरनल साउंड कम कर दे 50-60 के आसपास। अब से आएगी टीम 24 का HK से हम बिल्कुल 1 HP कर दिए गए हैं टीम 4 के बंदे की तरफ से। हार्दिक प्रो यहाँ पे TPP लेते हुए और ये स्कल ब्लैक की तरफ से टीम 24 का एक बंदा नॉक डाउन हो चुका है, जो कि अभी रिवाइव लगाया जा रहा है। क्या अभी टीम 4 की तरफ से हमें रेस्ट मिलेगा या फिर नहीं? एक और नॉक दिए जा चुका है, एक और तीन नॉक दे दिए जा चुके हैं स्कल ब्लैक की तरफ से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जिनमें से एक रिवाइव हो गया, दो अभी भी नॉक पड़े हैं। क्या वो रश करेंगे या फिर नहीं देखा जाएगा। किलर ये अलग मैच सेपरेट है। अभी परफेक्ट है दोनों साउंड। अच्छा ओके, इन पर रश हो गया। अभी देखते हैं, अभी टू रिवाइव मिल गया है, एक और नॉक दिए गए हैं। वापस स्कल का भी एक बंदा नॉक रखा है। डार्क का जो बंदा नॉक रखा है वो बिल्कुल ओपन में है। अरे नहीं, अपना ही कर रहा है सभी। एक और नॉक टीम 24 का। अब मेरे ख्याल से उनके बहुत सही टाइम होगा रेस्ट करने के लिए। एक को ऑल डेड स्कल की तरफ से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है टीम 4 OP। चारों बंदे जिंदा है। 4v4 की बहुत अच्छी फाइट ली है। अरे एडिट 7 सिन का ही एक्सपेक्टेड कर रहा है क्या? नहीं, 7 सिन का नहीं है। अभी बचे सिर्फ टीम 4, टीम 9, टीम 15, टीम 17 के दो बंदे और टीम 18। बिस्कल जान गए हैं पूरे 4 किल। इनके पूरे टीम किल्स हैं 8। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है टीम 4 की तरफ से। टीम 18 के भी 4 किल्स हैं। फिर ये किसकी एक्सपेक्टेड कर रहा है? मेरे दोस्त का टूर्नामेंट है वो है।
पेड या फ्री पेड? यहाँ पे टीम फोर के आगे है टीम 18, जो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी इन शायद इन लोगों की फाइट होगी तो देखा जाएगा। शायद IMS हम्बल को पता नहीं है कि आगे टीम 14 है, क्या ये स्काउट करने हैं या फिर इनको भी लपेट लिया जाएगा। टीम 18 अभी भी ब्रिज को लेके बैठी है, जहाँ पर उन्होंने अभी बंदों को नॉकडाउन दिया था 4v4 में। अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम 18 की भी। सेवेंटीन बंदे रिमेनिंग, 5 टीम बाकी है अभी हमारी टूर्नामेंट में। टीम 18 अच्छा होल्ड करके बैठी है ब्रिज पे। टीम 4 यहाँ पे है, बाकी की टीम्स कहाँ पे? टीम 18 के बंदे स्प्लिट पे बैठे हैं, 3 बंदे ब्रिज पे और 1 बंदा उस पे टावर पे गाड़ी लेके। अच्छा स्प्लिट है। टीम 18 जोर से बाहर है। अभी टीम 4 पे ज़्यादा एडवांटेज है कि वो जोन कैच पे, तो जोन पे ही निकलेंगे सीधा। इनको थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है अब टीम 18 को, कि इनको अभी जोन पे जाना पड़ेगा, वो रास्ते में ले सकते हैं। IMS संभल पानी में, क्या पता वो देख लिए जाएंगे या फिर बच जाएंगे। टीम 18 को भी जोन में आना है, जोन में आ चुके हैं वो अपनी गाड़ियां लेके। इनके सामने टीम 15 आ गई है, अभी इनको पड़ी हैं गोलियां दे देंगे। टीम 9 आ चुकी है, पीछे भी स्क्वाड है, आगे भी स्क्वाड है, क्या पता थर्ड पार्टी होगी कि नहीं। मैग्नीटो की तरफ से जीजी आशु को नॉक कर दिया जाएगा। टीम 18 की तरफ से टीम 9 का एक बंदा नॉक है। 4MS की टीम थर्ड पार्टी हो चुकी है, अब फाइट होगी टीम 15 की, टीम 18 की और टीम 9 की। 4MS लेजेंड ने नॉक दिया है एक और टीम 9 के बंदे को। अभी टीम 18 से आ चुके हैं बग्गी लेके। टीम 9 के प्लेयर एक अंदर नॉक है और एक अंदर जिंदा है। टीम 18 के प्लेयर रुक जाएंगे। टीम 9 ऑल डेड है। टीम 18 अच्छा फिर से अच्छा वो सरवाइव करते हुए। फाइट हो चुकी है टीम 14 की और टीम 15 की, टीम 18 की और टीम 15 की। 4MS लेजेंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, पर अब भी वो नॉक हो चुके हैं टीम 15 की तरफ से। उनको रिवाइव लगाया जाएगा 4MS मार्क की तरफ से। रिवाइव हो चुके हैं, पीछे फॉल बैक करके शायद हील लगाएंगे और उनको जोन में जाना है। टीम 18 को भी जोन का भी कैप्चर करके बैठी है टीम 4 एंड टीम 15, टीम 4 एंड टीम 17।
चैट टीम 4MS कॉल बैक करने की सोच रही है। ओपी अल्ट्रा सुप्रीम की तरफ से नॉक कर दिया जाएगा भाई आइट को। नाइट दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, टीम 18 और टीम 15 दोनों के एक एक प्लेयर नॉक हैं। टीम 18 के एक प्लेयर नॉक है और टीम 15 के भी एक प्लेयर नॉक है। टीम 18 के दो प्लेयर नॉक, एक नॉक फिनिश। टीम 15 का भी एक जोन के बाद नॉक फिनिश। टीम 15 के शायद लास्ट बंदे बाकी हैं। टीम 15 के लास्ट बंदे का ये भी जोन से मर दिए जाएंगे या फिर ये बच जाएंगे। उनका जोन में जाने की काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है और बहुत 100 मीटर दूर है। क्या ये जोन में जा पाएंगे या फिर जोन से पहले ही मर जाएंगे। जोन में तो निकल गए हैं ब्लू जोन से बाहर, क्या इन्हें दूर से पड़ेगी या फिर नहीं। 4MS वापस अच्छी फाइट लेते हैं। 2v4 की फाइट होगी शायद इनकी। मैग्नीटो नॉक जो इनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जोन भी इनके बहुत पास में है। टीम 15 के अल्ट्रा आ रहे हैं लेफ्ट से, शायद इनको पता नहीं है कि ये लोग यहाँ पे हैं और ना ही इनको पता है कि वो लोग वहाँ पे हैं। यहाँ पे लॉयन KGYT को की तरफ से डैमेज दिया जाएगा स्कल ब्लैक को। टीम 4 जो कि 3-man खेल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है इनका भी। टीम 18 का भी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था पर ये 2MM दिया जाएगा मैग्नीटो को। 4MS की तरफ से उनकी टीम से नॉक दिया जाएगा INS को। अभी उन पर टीम 18 की तरफ से एक और नॉक दिया जाएगा स्कल ब्लैक को, पर उन पर जोन नहीं है तो उन पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी उनको मार भी लेते तो खुद भी जोन से मर जाएंगे। नॉक फिनिश कर दिया गया है, 2 kill निकाली है 4MS लेजेंड ने। 3 kill 4MS लेजेंड, 9 kill टोटल भाई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पे हमें। यहाँ पे भी 4 बंदे बाकी है। टीम 17 के 2 बंदे लॉयन KGYT और लॉयन AJ और टीम 15 के जो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं पर उनके किल्स नहीं है। पूरी टीम के ओवरऑल किल से 2। अल्ट्रा नेक्सस की तरफ से एक लॉयन KGYT को नॉक फिनिश किया जाएगा। अब 1v1 की फाइट है 3 टीम्स के बीच में। टीम 15 4MS लेजेंड की तरफ से नॉक दिया जाएगा अल्ट्रा नेक्सस को नॉक फिनिश। अब 1v1 की फाइट बाकी है लॉयन AJ 4MS लेजेंड के बीच। अब देखते हैं क्या होता है। लॉयन AJ जोन में पहुंच चुके हैं पर 4MS लेजेंड अभी भी जोन के बाहर ही बैठे हैं। शायद 4MS की लोकेशन पता है लॉयन AJ को। 5 सेकंड में जोन बनते हुए देखते हैं अब क्या इनके लिए डिसएडवांटेज होता है या फिर जोन कैप्चर कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉयन AJ की तरफ से बहुत अच्छा एंगल मिल रहा है। और हमें जोन में आने के लिए निकलना ही पड़ेगा अब उनको। क्या वो स्मोक करके निकलेंगे या फिर बिना स्मोक करे। जोन बहुत खतरनाक डैमेज देते हुए, क्या वो हिल बैटल करना चाहेंगे पर वो हिल बैटल हो नहीं सकता क्योंकि वो जोन में ही है। लास्ट फर्स्ट एड लग रहा है इनका। क्या अब उनको जोन जाने के लिए उठना ही पड़ेगा या फिर जोन के बाहर नॉक फिनिश हो जाएंगे। जोन जाने के लिए उठे हैं, जोन पहुँच गए हैं। अरे AJ को लोकेशन नहीं पता इनकी। AJ की तरफ से बहुत अच्छा एंगल है पर इनको इनकी लोकेशन नहीं पता, तो शायद अभी BT हो सकती है इनके साथ। पर अभी ये दोनों जोन में नहीं है, जोन है बिल्कुल ओपन में है ये सामने वाले पेड़ के पास। तो अभी 8 सेकंड में नया जोन बन जाएगा, तब होगी इंटरेस्टिंग पॉइंट।
IMS हम्बाल गेमर, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। अभी जोन बदल चुका है, दोनों को जोन में आना है, और जोन है बिल्कुल इस पेड़ के पास। यहाँ पे 4 MS लेजेंड निकल चुके हैं जोन के लिए। वो जोन के बाहर ही डैमेज खा रहे हैं लॉ एंड एजर बैठी। क्या वो ऑफलाइन है या फिर हील लगा रहे हैं? हील लगा रहे हैं, पर हील लगाने कोई मतलब नहीं है कि वो जोन के बाहर ही मर जाएंगे। और यहाँ पे लॉ एंड एजर बैठी फिनिश 4 MS लेजेंड की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी। 11 किल्स उनके अकेले के हैं, और टीम किल्स हैं उनके 15 किल्स और 11 किल्स सोलो हैं उनके। नाइस परफॉर्मेंस बाय 4 MS लेजेंड। इंटरेस्टिंग मैच था, काफी मजा आया देखने में। यहाँ पे स्टार ऑफ द मैच मिला है 4 MS लेजेंड का, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके डैमेज था 1214 का 11 फिनिशेस के साथ। और फिर उनके बाद उनकी टीम के तीनों बंदों को मिला है स्टार ऑफ द मैच 4 MS का। सर्वाइवल टाइम बहुत अच्छा है इनका, और रेस्क्यू 3 बार करें, और फिनिशर है नॉक फिनिश एनिमेशन करने का 4 MS लेजेंड अगेन। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 4 MS की तरफ से। तो इसी के साथ अपना टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है। तो अभी अगली बार जो टूर्नामेंट होगा वो भी क्या पता अपने को कास्ट करने को मिले, पर आज के स्ट्रीम में बस इतना ही।